हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अष्टक नियम की सीमाओं के बारे में। अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं, कब अष्टक नियम फेल हो जाती हैं। यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी हैं, ऑक्टेट रूल जो है वह अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से आवर्तसारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है। अष्टक नियम जो है वह मुख्य रूप से आवर्तसारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। ठीक है, यह अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। ठीक है, तो अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से आवर्तसारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। ठीक है, अष्टक नियम के तीन प्रमुख अपवाद होते हैं। पहला अपवाद जो है वह है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। ठीक है, अष्टक नियम के तीन प्रमुख अपवाद हैं। पहला अपवाद है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, दूसरा है विषम इलेक्ट्रॉन और तीसरा है प्रसारित कक्षक। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। ठीक है, कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिक में होता है जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। ठीक है, यह घटना जो है मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होगा जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, जैसे LiCl, BeH2 तथा BCl3। ठीक है, LiCl में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिथियम और Cl में दो इलेक्ट्रॉन की सहभागिता है। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टक पूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके बाद BeH2 में भी आप देख रहे हैं दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी अष्टक की कोई कल्पना नहीं है। यहाँ BCl3 में भी आप देख रहे हैं कि यह सेंट्रल एटम बोरान है, इसका भी अष्टक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम और बोरान के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इस प्रकार के अन्य यौगिक जैसे AlCl3 तथा BF3 हैं जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। अगला है विषम इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर है विषम इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन अणु। उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है 8 होती है, विषम होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन अणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है 8 होती है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, उनमें जो हैं सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अष्टक जो है 2, 4, 6, 8, इस नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट नहीं है, 2, 4, 6, 7 है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं अष्टक कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है विषम इलेक्ट्रॉन अणु हैं यह। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वह यहाँ पर विषम होती है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यह विषम इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप पढ़ रहे हैं अष्टक नियम की सीमाओं के बारे में। आपको बताया गया कि यद्यपि अष्टक नियम जो है अत्यंत उपयोगी है, परंतु फिर भी यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से आवर्तसारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। अष्टक नियम के तीन प्रमुख अपवाद होते हैं। पहला होता है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। ठीक है, कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, जैसे LiCl, BeH2, BCl3, AlCl3, BF3 आदि। ठीक है, फिर विषम इलेक्ट्रॉन अणु,
उन अणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तीसरा होता है आपका प्रसारित अष्टक के बारे में, ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के बारे में। आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों में तत्वों में बंधन के लिए 3s3p कक्षकों के अलावा 3d कक्षक भी उपलब्ध होता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए, बॉन्डिंग के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिनमें 3s 3p और 3d होता है उनमें अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे प्रसारित अष्टक कहा जाता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहा जाता है। स्पष्ट है इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। ऐसे यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं PF5, SF6, H2SO4 तथा कई उपसंयोजी यौगिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं PF5 में जिसमें फास्फोरस परमाणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यह PF5 का स्ट्रक्चर है जिसमें इस फास्फोरस के पास 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है। यह आप देखें SF6 है, इसमें इस सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इलेक्ट्रॉन है। यह H2SO4 की संरचना है जिसमें सल्फर के पास आप देख रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके पास 3d ऑर्बिटल होता है और इनके यह जो है अपना एक्सपेंड ऑक्टेट करते हैं जिससे सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 से अधिक हो जाती है। जैसे PF5 में फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है और H2SO4 में भी सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। रोचक तथ्य यह है कि सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिसमें अष्टक नियम का पालन होता है, ठीक है। सल्फर परमाणु जो है वह अनेक यौगिक ऐसा भी बनाता है जिनमें अष्टक नियम का पालन होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के अष्टक उपस्थित होते हैं, ठीक है। सल्फर डाइक्लोराइड में सल्फर परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के अष्टक उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यह सल्फर है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के अष्टक कंप्लीट होंगे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अष्टक कंप्लीट है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, सभी परमाणुओं का अष्टक क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अष्टक नियम की कुछ अन्य कमियां भी हैं, ठीक है। पहला जो कमी है वह यह है कि यह स्पष्ट है कि अष्टक नियम जो है उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। अष्टक नियम जो है वह उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनान और क्रिप्टान ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से भी संयोजित होती हैं, ठीक है। अष्टक नियम जो है उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जो हैं ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से भी संयोजित होती हैं तथा कई यौगिक बनाती हैं, जैसे कि XeF2, KrF2, XeOF2 इत्यादि। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता है। अष्टक सिद्धांत जो है वह अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा नंबर, यह अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष अस्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है। अष्टक नियम जो है वह अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष अस्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं अष्टक नियम के बारे में, ठीक है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो अष्टक नियम है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यह चर्चा हो रही है। अष्टक नियम के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो अष्टक नियम की सीमाओं में आपको बताया गया, यद्यप अष्टक नियम जो है बहुत उपयोगी है परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। अष्टक नियम के 3 प्रमुख अपवाद होते हैं,
पहला अपवाद जो है वह है कि केंद्रीय परमाणु का पूर्ण अष्टक के रूप में अर्थात कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिक में होता है जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, जैसे LiCl(B)H2BCl(3), AlCl(3) तथा BF(3) में इसमें अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा जो है वह है विषम इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या विषम होती है, उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में सभी परमाणु अष्टक का पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे इस नाइट्रोजन के पास विषम इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, तो एनओ के पास 11 इलेक्ट्रॉन है अर्थात इसके पास जो है कुल संख्या विषम है, अतः इसमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। तीसरा है आपका प्रसारित अष्टक, इसमें आपने देखा कि आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षक के अलावा 3s तथा 3p कक्षक के अलावा 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं, 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। अतः इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे प्रसारित अष्टक कहा जाता है। स्पष्ट है कि इन यौगिकों में अष्टक नियम लागू नहीं होता है। ऐसे यौगिक के कुछ उदाहरण हैं PF5, SF6, H2SO4 और कई उपसंयोजी यौगिक। PF5 में फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, H2SO4 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है होते हैं। ठीक है, अब रोचक तथ्य यह है कि सल्फर परमाणु जो है ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिनमें अष्टक नियम का पालन होता है, जैसे कि सल्फर डाइक्लोराइड SCl2, इसमें अष्टक नियम का पालन हो रहा है। इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक नियम की कुछ अन्य कमियां भी हैं, ठीक है, अष्टक नियम की कुछ अन्य कमियां भी हैं, जैसे कि पहली कमी यह है कि यह स्पष्ट है कि अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे कि जिनान और क्रिप्टान ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ संयुक्त होती हैं और कई यौगिक बनाती हैं जैसे XeF2, KrF2, XeOF2। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता है, यह अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष अस्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अष्टक नियम की सीमाओं के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।